के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है, आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी, सरस्वती की शक्ति बड़ी या घटी, दुर्गा की शक्ति बड़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात, आप अपना धन समझते हो? आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। आप दुर्गा मां की बात करते हो, आप लक्ष्मी की बात करते हो, आप सरस्वती की बात करते हो, तो उनकी शक्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो? जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? अब दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 9% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? तो हो क्या रहा है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाकर मत्था टेकते हैं, वो उन्हें शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? आप सब धर्म की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है, जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य भरने से डरो मत, सत्य भरो, इसका यह मतलब होता है।
और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह, इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा, इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा, क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है।